तो हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं और हमें गिरफ्तार कर रहा है याद नहीं? अरे असल में वो मेरे घर पे आई थी बाई बनकर, नौकरानी बनकर, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। लेकिन भाभी जी नहीं पहचान पाई है। काहे? बस ससुरी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली का? अरे उसने घूंघट डाली हुई थी। देखिए, उसे अरेस्ट करने का प्लान ये है कि अनु को मालूम नहीं चलना चाहिए, वरना वो रायता फैला देगी। किसी बहाने तिवारी जी अनु को अपने घर लेके जाएंगे और आप और मैं मेरे घर में जाएंगे और आप उसे बहुत क्वाइटली अरेस्ट करेंगे। राइट, लेट्स गो। ठीक है, चलो ससुर। अरे ठीक है, जेम्स बॉन्ड बन रहा हूँ ससुर। क्या हुआ सेठ जी? अगर घर खाली हो गया है तो आ जाऊं? नहीं नहीं, नहीं, भाभी जी को बुला के लाइए प्लीज, भाभी जी को। ठीक है। क्यों उतावले हो रहे हैं? ऐसी क्या आफत आ गई? इतनी बार आपने बेल बजा दी, मुझे एक बार में बेल सुनाई देती है? गोरी मैम अच्छी लग रही है जी। भाभी जी क्या है, जल्दी चलिए ना। वो दरअसल जो टिल्लू है ना, उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया भाभी जी। हे भगवान, तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। भाभी जी आपने कहा था ना, आपको वो नस दबा कर मिर्गी का दौरा ठीक कर देती है, आपने कहा था ना एक बार। मैंने? जी भाभी जी आपने कहा था। मैंने कहा था कि मैं नस दबाकर मिर्गी का दौरा ठीक कर देती। भाभी जी जब भी कहा था, चलिए ना, देर हो रही है, चलिए आइए 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 भाभी जी। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। भैया विभूति कितने गई बुन चनिया? यही कहीं होगी उन्हें चनिया, आई मीन वो गुलफाम करी। मैं उसको आवाज लगाता हूँ, चुप जाइए। मैंने कहा अनारकली अनारकली अनारकली। का हुआ साहब? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। गुलफाम कली, तुम आओ, खेल खत्म होगा डार्लिंग। अब तना कपूर को घूंघट है ना, वो ऊपर कर लियो। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! ए, रुक! ए, रुक! ए, रुक! अरे मान, मैं तो सामने से मार, इस तरह छुप के वार करने में कोई बर्दाश्त नहीं है।